अभी के टाइम पर बहुत से मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि मोबाइल के साथ पेन ड्राइव कनेक्ट तो हो जा रही है, पेन ड्राइव का सारा डाटा मोबाइल में शो भी हो रहा है, बट जैसे ही वो पेन ड्राइव की वीडियो को प्ले करते हैं तो वीडियो तो प्ले होती है बट वीडियो की साउंड नहीं आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वॉल्यूम फुल की हुई है बट वीडियो चल रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। यही प्रॉब्लम बहुत से बंदे फेस कर रहे हैं कि पेन ड्राइव में वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वेडिंग वीडियो के साथ आती है, 100% आपकी भी वेडिंग वीडियो के साथ ही ये प्रॉब्लम आई होगी। तो कैसे आप पेन ड्राइव की वीडियो को मोबाइल में चला के उसकी ऑडियो ला सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इसका पूरा फंडा। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, तो डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन की सभी परमिशन दे देनी है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डन। अभी आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे गलती से नो पे क्लिक कर दिया तो आपकी पेन ड्राइव की वीडियो यहाँ पे शो नहीं होगी। तो यस पर क्लिक करना है ताकि आपके पेन ड्राइव का डाटा यहाँ पे शो हो सके। तो ओके, आपका एप्लीकेशन अब यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है तो आपकी सभी स्टोरेज यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमें पेन ड्राइव का डाटा देखना है तो आपको यहाँ पे USB ड्राइव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी वो वीडियो जिस भी फोल्डर में रखी हुई है आपको उस फोल्डर में आ जाना है। तो अब जैसे मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के साथ यहाँ पे ऑडियो भी आ रही है। जबकि इसी वीडियो को अगर हम फाइल मैनेजर में ओपन कर रहे थे तो वहाँ पे वीडियो तो चल रही थी बट ऑडियो नहीं आ रही थी। और दूसरी वीडियो को भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो की ऑडियो आ रही है। तो अब हम पेन ड्राइव की जितनी भी वीडियो यहाँ पे प्ले करेंगे तो वीडियो के साथ उनका ऑडियो भी आ जाएगा। ओके, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर आएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है VLC प्लेयर। तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको VLC फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप पेन ड्राइव की वीडियो को चलाएंगे तो वीडियो के साथ ऑडियो भी आ जाएगी।